बंद करो, 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 बंद करो। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार को हिरासत में ले लिया। दरअसल रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब उन्हें हिरासत में लिया गया। जब पुलिस रेवंत रेड्डी को ले जा रही थी तब रेवंत रेड्डी और उनके कार्यकर्ता पुलिस जुल्म बंद करो के नारे लगा रहे थे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बता दें कि तेलंगाना में 30 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे आएंगे। इससे पहले ही प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया गया है। उधर डिटेन होने के बाद रेवंत रेड्डी भी चुप नहीं रहे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, केसीआर बिना पैसे और शराब बांटे लोगों से वोट मांगने की हिम्मत नहीं रखते हैं। अगले चुनाव में केसीआर ने पैसा और शराब के दम पर वोट लेने की ठान ली है। केसीआर में अमर स्तूप के पास शपथ लेने की हिम्मत नहीं है। इससे साफ है कि केसीआर अगले चुनाव में पैसे और शराब देकर वोट लेने में विश्वास करते हैं। सतर्क रहें तेलंगाना के लोग। उधर तेलंगाना कांग्रेस में आंतरिक कलह की खबर भी है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव कुरवा विजय कुमार ने पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख रेवंत रेड्डी के खिलाफ आरोप लगाए तो उन्हें निलंबित ही कर दिया गया। दरअसल विजय कुमार ने रेवंत रेड्डी पर गढ़वाल विधानसभा टिकट 10 करोड़ रुपए में एक गैर कांग्रेसी नेता को बेचने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्हें पार्टी ने निलंबित ही कर दिया। So when we're talking about seat expectancy and announcements that is to be scheduled, we've already seen a lot of disgruntled Congress candidates there who have been protesting. They're saying that this has been an unfair list that has come out. The first list needs to be cancelled, a new list has to come out. Trouble in paradise? No. And in other hand, I'm happy for that. Why? Because Congress, earlier, TRS or any other party was making allegations against it. There is no candidate for Congress party. No one is ready to contest from Congress party. Now, they are saying that Congress party ticket demand is there. They are not fulfilled this demand. So now I am happy for that. Every leader is expecting ticket. And each seat we have got almost 1,000 plus applications for 119 seats. So, the issue is that we can give only one B-form in each constituency. So expected people are eligible persons are more than one. I cannot give more than one B-form. So that is why we have declared best of the best.